तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्डवेन थ्रोन के एपिसोड नंबर 102 को, और ये वीडियो काफी छोटी होने वाली है जिस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा हाउस एंड मैक्रोमेंस की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के साथ हावयू के वर्ल्ड में आ गया, जहाँ पर हावयू इवॉल्व हो रहा था। अब उसे रोकने के लिए वहाँ पर कई सारे डिमन आते हैं, लेकिन हाउस एंड और उसके दोस्तों ने मिलकर उन सभी को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ अब तक हावयू ने भी अपने आप को इवॉल्व करवा लिया था। अब वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले उस जगह पे तीनों डिमन्स किंग आ गए थे, जिसके आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। लेडी क्यून कहती है पिछली बार तुम लोग हमारे हाथों से बच गए थे, लेकिन इस बार हम पहले से तैयार हैं। उस लेडी क्यून के इतना कहते ही दूसरे किंग ने उन सभी पे हमला कर दिया। ये देखते ही हावयू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक को रोकने लगा, जिस वजह से वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होती है। दूसरी तरफ लेडी क्यून अपने एक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, ताकि इस तरीके से कोई भी यहाँ से एस्केप ना कर सके। दूसरी तरफ ये देखते ही तीसरे डिमन किंग ने सभी मरे हुए कंकालों को जीवित करते हुए हाउचिन के दोस्तों पे हमला करवा दिया, ताकि इस तरीके से सभी लोग यहाँ पर मारे जाए। लेकिन हाउचिन अपने दोस्तों से कहता है हमें कुछ समय ऐसे ही इन सभी कंकालों से लड़ना होगा, ताकि हावयू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दे। अब उसकी ये कहती है हमारा सीन चेंज होकर हावयू पे आ गया, जो की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके। अब कुछ प्रयास करने के बाद हावयू ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था, जिस वजह से उसकी ताकत कम हो गई थी। ये देखते ही हाउचिन ने भी समय न गवाते हुए वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर से वो सभी यहाँ से निकलने वाले थे। जिसके अगले ही पल होना क्या था, वो सभी टेलीपोर्ट होकर डिमन हंटिंग कैप के पास पहुंच गए थे। अब ये देखते ही सभी लोग हैरान होते हैं। अभी के समय उन सभी की एनर्जी वीक हो गई थी, जिस वजह से हाउचिन अपने दोस्तों से कहता है तुम सभी जाकर रेस्ट करो, क्योंकि अभी के लिए मुझे हावयू के साथ समय बिताना है। उसकी बात सुनते ही सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए, जिसके बाद वो सभी अपने आप को हील करने के लिए वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान उन्हें कुछ छोटी मोटी इंजरी हो गई थी, जिसे हील करने के लिए वो सभी यहाँ से जा चुके थे। अब रात को हाउचिन हावयू के साथ एक पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ था, जहाँ पर हाउचिन को पता चलता है हावयू का चौथा हेड उससे डर रहा है, जिस वजह से हाउचिन उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, ताकि इस तरीके से लिटिल ब्लू उस पर भरोसा करना सीख जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ समय के अंदर लिटिल ब्लू को एहसास हो जाता है कि हाउचिन बाकी इंसान से काफी अच्छा है, जिसके अगले दिन की सुबह हाउचिन अपने दोस्तों के साथ डिमन हंटिंग कैप में वापस आ चुका था। तभी फैंक के ग्रैंड फादर हाउचिन से कहते हैं तुम जो बोल रहे हो उसके बाद तुम्हारा लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी मुश्किल भी काफी बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारे पास जो भी मिशन आएगा उसका खतरा काफी बढ़ जाएगा, जिस वजह से तुम्हें इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। क्या तुम्हें कमांडर ग्रेड पर प्रमोट होना चाहिए फिर नहीं, क्योंकि अगर तुम इसके लिए एग्री होते हो तो कमांडर ग्रेड पर प्रमोट होने के लिए हमें एक टेस्ट लेना होगा, जिसमें हम तुम्हारी पावर को चेक करेंगे। अगर तुम इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हो तो तुम कमांडर ग्रेड के लेवल पर पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारे स्क्वाड के अंदर से कोई भी हारता है तो तुम सभी की स्टेज बढ़ने की जगह घट जाएगी। यहाँ पर फैंक के ग्रैंड फादर इन सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इस तरीके से ये सभी यहाँ से पीछे हट जाए। उनकी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन फैंक के ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि हाउचिन अपने दोस्तों के साथ कमांडर ग्रेड के पोस्ट पे आ जाए, क्योंकि इसके बाद उन्हें दिए जाने वाले मिशन काफी हार्ड हो जाएंगे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो इसमें काफी घायल हो जाए। जिस वजह से फैंक के ग्रैंडफादर इन सभी को डराकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए कह रहे थे, लेकिन हाउचिन भी इससे पीछे नहीं हटने वाला था। अब उसकी जीत को ध्यान में रखते हुए फैंक के ग्रैंडफादर इसके लिए एग्री हो गए। अगले सीन में वेजवान किसी से लड़ रही थी, जिसकी पावर उससे काफी ज्यादा होती है। वेजवान का मजाक उड़ाते हुए उसका अपोनेंट उससे कहता है तुम अगर अपनी पूरी पावर साथ भी मुझ पे अटैक करोगी तभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर तुम बचना चाहती तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, तुम हार मान के पीछे हट जाओ। लेकिन दूसरी तरफ वेजवान अब हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वेजवान अपनी सील को लाते हुए उस व्यक्ति से कहता है मैं भी देखती हूँ तुम मेरी पावर का सामना कैसे कर पाते हो। ये कहते हुए उसने अपनी सील से उस व्यक्ति पे हमला कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने उस सील को काफी आसानी से रोक लिया, जिसके अगले पल वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया। वो वेजवान के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उस पर एक पावरफुल हमला करना चाहता था, ताकि इस तरीके से वो वेजवान को काफी आसानी हरा दे। उसकी ये मूव करती हमारा सीन शिफ्ट होकर सीमा सियान पे आ गया, जो की फिलहाल खुद भी किसी से लड़ रहा था। उसका अपोनेंट भी उसी की तरह हीलिंग क्वार्टर से होता है, जिस वजह से उसकी पावर भी सीमा सियान से बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ चेरी चैन भी अपनी तरह एक बीस्ट टेमर से लड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो गलती से वहाँ पर एक खरगोश को बुला लेती है, जिस कारण से उसका अपोनेंट उससे कहता है तो तुम अपने दुश्मन से ऐसे लड़ोगी। ये सब कहते हुए उसने अपने पोर्टल को ओपन कर लिया होता है, जिसके अंदर से एक वुल्फ निकल रहा था, ताकि इस तरीके से वो चेरी चैन को हरा दे। अब ये देखते ही चेरी चैन वहाँ पर काफी डर गई थी। अब ये सीन दिखा हमारा सीन शिफ्ट होकर ब्रदरली पे आ गया, जो कि फिलहाल काफी परेशान दिख रहे थे, क्योंकि उसका ओपोनेंट भी एक सील्ड फॉर्मेशन में बैठा हुआ था, जिस कारण से ब्रदरली का कोई भी अटैक उस व्यक्ति को हिट नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से ब्रदरली काफी परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ इस बात से वो मेजिशियन भी काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो ब्रदरली से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है, अगर तुमने एक मिनट के अंदर अंदर मुझे नहीं हराया तो मैं तुम्हें हरा कर यहाँ से चला जाऊंगा। अब उसकी ऐसी कठोरी बात सुनने के बाद तो ब्रदरली को भी काफी गुस्सा आ गया, जिस वजह से ब्रदरली अपने अटैक को तैयार करते हुए उससे कहते हैं ये लो मेरा सबसे पावरफुल अटैक। उसकी
इतना कहते ही हमारा सीन कट हो गया। अगले सीन में सायर जो कि खुद भी किससे लड़ रही थी, तभी उसने काफी सारे क्लोन को क्रिएट कर लिया ताकि इस कीमत से वो उस पे हमला कर सके। हम देखते हैं सायर ने लगातार उस व्यक्ति पे हमला करना शुरू कर दिया ताकि इस तरीके से सायर उस व्यक्ति को हरा सके। दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने कुछ समय के अंदर ही सायर के सभी डुप्लीकेट को खत्म कर दिया। अब ये देखते हैं सायर अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर उस व्यक्ति के पीछे आ गई और लगातार उस व्यक्ति पे हमला करने लग गई, जिस वजह से उस व्यक्ति को भी अपने आप को संभालने में मुश्किल हो रही थी, जिस कारण से वो व्यक्ति कुछ ही मूव के अंदर हार जाता है। दूसरी तरफ वेज वन पर जो व्यक्ति अटैक करने के लिए आ रहा था, इस चीज को वेज वन ने भी महसूस कर लिया, जिसके अगले पल वेज वन अपने ट्रेजर की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस व्यक्ति के पीछे आ गई। अब वो व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले वेज वन ने लगातार उस पे कई सारे मूव कर दिया, जिस वजह से उस व्यक्ति ने तो अपने हार को एक्सेप्ट कर लिया था। अब उस व्यक्ति के हार मानते ही वेज वन का ये राउंड क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ सीमा सियान ने भी हाउचेन के दिए गए ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति पे पावरफुल हमला कर देता है। अब ये इनहेरिटेंस उसी समय का है जब होली पास के अंदर हाउचेन ने सीमा सियान को दिया था ताकि इसकी मदद से सीमा सियान अपनी ताकत को और भी बढ़ा सके, लेकिन उस समय सीमा सियान ने इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से हम देखते हैं उस पावर का इस्तेमाल करते ही वो व्यक्ति हार जाता है। और इस तरीके से सीमा सियान ने भी अपने राउंड को क्लियर कर लिया होता है, जिस वजह से वो भी काफी खुश हो चुका था। अब ऐसे ही करते हुए हाउचेन के सभी दोस्तों ने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया होता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी खुश हो चुके थे। अब एपिसोड के आखिरी में हम अभाव को देखते हैं जो कि किसी चीज के अंदर से निकलते हुए उन सभी से कहता है, डीमन हंटिंग कैंप के कोई भी व्यक्ति तुम्हें दिखे तो तुम्हें बेशक तुम्हें उसे जान से मार देना है, बस सिर्फ हाउचेन को छोड़कर। उसकी ये अनाउंस करते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से हाउचेन पे आ गया, जो कि एक नए मिशन पे आ चुका था, क्योंकि अब उसने यहाँ पर अपने ट्रेल को क्लियर कर लिया होता है, जिस वजह से हम देखते हैं हाउचेन और हाउचेन के दोस्तों को एक खतरनाक मिशन दिया होता है। लेकिन फ्रैंक के ग्रैंडफादर ने हाउचेन को सावधान रहने को कहा था क्योंकि उसने यहाँ पर काफी सारे डिमन से पंगा ले लिया होता है। अब इसी सीन के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।